देखिए सामने नानी का घर है और अभी यहाँ फोटोशूट चल रहा है राधिका और उसके फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बल्लू के लिए परांठा गर्म करूँगा, बल्लू को खाना खिला के फिर उसके बाद तैयार होने जाऊंगा, क्योंकि राधिका और राधिका के दो फ्रेंड आए हुए हैं तो उनके साथ हम जाएंगे वापस मनाली। तो वो लोग आगे निकल जाएंगे शिमला की और मैं और राधिका मनाली में रुकेंगे। फिर राधिका को भी थोड़ा काम है तो वो भी अपना काम करेगी और मैं तो फिर अपना कार वॉश का काम करूँगा। बिल्लू के लिए परांठा गर्म हो रहा है और अंडे बॉयल हो रहे हैं और हमारे बिल्लू राजा जी यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि बिल्लू थोड़ा लेट सो के उठा और मम्मी वगैरह और मैडम जी चली गई है शॉप, मम्मी जॉब, और मैं बल्लू के लिए परांठा गर्म कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, रात को हम लेट हो गए थे तो इसीलिए रात को मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो ये देखिए यहाँ पे भी ट्रेलर मार दिया, वहाँ पे भी और वहाँ पे भी और यहाँ ऊपर भी, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा नीचे जाके दिखाता हूँ। और परे वाला तो मैंने आपको दिखा ही दिया था, तो ये वाला भी हो गया। ये इसमें ट्रेलर नहीं लगता है, छोटी जगह है तो इसको बाद में करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे कर दिया और वहाँ पे भी कर दिया, इसमें भी। अभी नीचे की तरफ पापा ने बोला छोड़ दो, रेडी हो गया हूँ बस। अभी राधिका वगैरह वो मंदिर गए हैं तिलकनाथ मंदिर, तो वहाँ से वो अपने फ्रेंड के साथ आएंगे। अभी वो उदयपुर पहुँचे, उदयपुर में मृकुला माता जो मंदिर है वहाँ पे जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ वापस आएंगे। तो तब तक मैंने कहा चाय पी लेते हैं। और नुआ देखिए कहाँ छुप के बैठा हुआ है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको नुआ कहाँ है। ये देखिए चोर, दिख नहीं रहा है ये चोर, ये नुआ। नोए क्या कर रहा है, हैं? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए नुआ यहाँ बैठा हुआ है। क्या कर रहा है, हैं नोए क्या कर रहा है? मुर्गी मुर्गी खाने के चक्कर में तो नहीं है? चल चल आ जा। वैसे यहाँ पे इतनी गर्मी में नोवा बैठा है, कुछ तो बात होगी, होगा कुछ, छेड़खानी करने वाला ये शरारती बच्चा। चलो 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 बाहर चलो। अभी मैंने चाय रखी हुई है, पापा बोल रहे चाय पी के जाओ, तो अभी चलते हैं ऊपर फटाफट फटाफट फटाफट। A little longer than a few minutes later. तो दोस्तों वो लोग फोन, अभी उन लोगों ने फ़ोन किया तो अभी थोड़ी देर में वो लोग पहुंचने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं नीचे जाके खड़े हो जाता हूँ। वो उदयपुर से निकल गए हैं, तो दोस्तों अभी निकलते हैं हम घर की ओर मनाली। तो अभी देखते हैं रास्ते में, बीच बीच में शूट करूँगा, तो चलते हैं दोस्तों, उनका वेट करते हैं, थोड़ी देर में पहुँचने वाले हूँ। तो अभी हम पहुंचे हैं गोंदला नानी के, वहां पर जहां पर नानी का घर है, यहां सामने दिखाई दे रहा होगा, वो देखिए सामने नानी का घर है और अभी यहां फोटोशूट चल रहा है राधिका और उसके फ्रेंड। फोटो नज़ारा है, वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ये जो राधिका के फ्रेंड है ये शिमला से है, काफ़ी खुश हो गए यहाँ पर आकर यहाँ के नज़ारे देख कर। तो इनको यहाँ पर कुछ, ये फोटोग्राफी भी करते हैं तो इनको कुछ अच्छा सा दिखा होगा, इसीलिए बीच में रुक गए। अच्छा दिखा क्या, अच्छा है इसीलिए यहाँ पर रुक गए। वो देखिए राधिका गाउन को पहन के फोटो शूट कर रही है, और मैंने कहा मैं भी ब्लॉग शूट कर लेता हूँ तब तक। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा था बल्लू को छोड़ के आने का, और बल्लू की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको पता है कि लाहौल में शाम के टाइम में थोड़ा ठंडा होता है, तो उसको जुकाम हो गया है, तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था। पर फिर वो सोया हुआ था तो मैंने कहा मैं निकल ही जाता हूँ, पापा बोल रहे कि अपना काम करो, तो मैंने कहा ठीक है फिर चलते हैं। तो अभी राधिका मेरे साथ जाएगी, तो राधिका और हम 14 मील में उतर जाएंगे, फिर सुबह राधिका वहाँ से मंडी जाएगी, उसको कुछ काम है मंडी में, तो वहाँ से वो काम करके फिर अपना वापस लाहौल आ जाएगी एक दो दिन में, और मैं वहीं रुकूंगा। तो देखते हैं, शायद एक दो दिन में मैं भी शायद फिर से वापस आऊँगा, क्योंकि बल्लू को लेने और मैडम जी को, मम्मी पापा को, सबको लेने।
क्योंकि मैं पापा को ड्राइव नहीं करने देता हूँ, अब उनकी एज भी हो रही है तो ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव जब करते हैं तो उनको नींद आने लगती है, तो फिर मैं थोड़ा डर जाता हूँ कुछ होने से पहले, इसीलिए मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ, चाहे उसके लिए वर्कशॉप बंद करके ये क्यों ना आना पड़े, तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। तो मैं मम्मी पापा को जब भी यहाँ पे लाहौल में आना होता है तो मैं खुद ही छोड़ने आ जाता हूँ। तो अभी चलते हैं, इनका फ़ोटोशूट तो काफ़ी देर चलेगा, अभी बैठते हैं गाड़ी में जाके, थोड़ी बहुत एडिटिंग करने के लिए वो भी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मनाली पहुँचते ही वीडियो अपलोड कर दूँगा। Longer than a few minutes later. कोई फर्क लग रहा है तेरे को मैं वॉवल्स बोल रहा हूँ? तो प्यार है ऐसा लगता है क्यों, तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई, कभी पहले